Muscular tissue is the second type of the animal tissue. What is the name tell? Muscular tissue. नाम कहां से बना? ये नाम बना हमारा muscles से. It means the tissue which forms the muscles, which are attached with the muscles, they are called muscular tissue. आपने बच्चे नाम muscles का सुना हुआ है, तो muscles के नाम से आपको क्या याद आता है? Muscles के नाम से आपको याद आता है movement. कि अगर कोई भी organ, internal organ या external organ, अगर कोई भी organ है, तो वो अगर मूव करता है ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. हर एक ऑर्गन के साथ, बोन्स के साथ, कार्टिलेज के साथ, सबके साथ क्या अटैच होती है? मसल्स अटैच होती हैं, और उन मसल्स से जो टिश्यू बना है दैट टिश्यू इज कॉल्ड द मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू जो है मूवमेंट में हेल्प करता है. मूवमेंट ऑफ ऑर्गन का मतलब ये नहीं है कि ऑर्गन्स अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं. मूवमेंट का मतलब है कि वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और उनके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में और उनकी फंक्शनिंग में हेल्प कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू. सो अगर हम मस्कुलर टिश्यू की डेफिनेशन स्टडी करें कि हमने मस्कुलर टिश्यू की डेफिनेशन क्या लिखनी है, तो हम लिखेंगे द मस्कुलर टिश्यू इज अ टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स. द टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ द मसल सेल्स. ये जो मसल सेल्स हैं, ये हमारा बनाती है मस्कुलर टिश्यू. ये जो मस्कुलर टिश्यू है, दिस इज अटैच्ड विद द एक्सटर्नल ऑर्गन्स, दिस इज अटैच्ड विद द इंटरनल ऑर्गन. इंटरनल ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ट. अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या करता है? पंपिंग ऑफ ब्लड करता है. इसका मतलब पंपिंग ऑफ ब्लड कैसे होता है कि हार्ट क्या कर रहा है? कंट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, फिर कंट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है. तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कारण ही जो वो है वो ब्लड को क्या कर पाता है? पंप कर पाता है. तो उसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू. अगर हम अपनी एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करें तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में हम अपनी आर्म को मूव करते हैं, हम अपनी नेक को मूव करते हैं, हम अपने लेग्स को मूव करते हैं, हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं. तो उस मूवमेंट के अंदर हेल्प कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू. इट मीन्स द टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ मसल सेल्स. ये किसका बना होता है? मसल सेल्स का. द टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू. इट इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ऑर्गन, इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन. मस्कुलर टिश्यू हैज थ्री टाइप्स. आपको मैंने टेबल एनिमल टिश्यू का लर्न करने के लिए बोला था, तो अगर आपने उस टेबल को लर्न कर लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मस्कुलर टिश्यू हैज थ्री टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड द स्ट्राइड मस्कुलर टिश्यू. फर्स्ट टाइप क्या है बच्चे? स्ट्राइड मस्कुलर टिश्यू. सेकेंड टाइप है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू. एंड थर्ड टाइप इज व्हाट? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू, सेकेंड इज कॉल्ड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, एंड थर्ड इज कॉल्ड द कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. दिस फर्स्ट टाइप हैज टू अनदर नेम्स. वन इज कॉल्ड द स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू एंड अनदर इज कॉल्ड द वोलेंट्री मस्कुलर टिश्यू. फर्स्ट टाइप हैज द थ्री नेम्स. नंबर वन इज कॉल्ड स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू, नंबर टू इज कॉल्ड स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू, एंड नंबर थ्री इज कॉल्ड द वोलेंट्री मस्कुलर टिश्यू. सिमिलरली द सेकेंड टाइप विच इज स्मूथ मस्कुलर टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनवोलेंट्री
involuntary muscular tissue. Why I am writing the another names? मैं इनके दूसरे नाम अगर किसी मसल टिश्यू के और भी नाम है तो मैं इनको क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज बच्चे कई बार एग्जाम में क्या है नेम चेंज करके क्वेश्चन आ जाता है. सपोज आपको क्वेश्चन ये आया कि एक्सप्लेन द स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू तो आप सीधे से लिख दोगे. बट अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है एक्सप्लेन द स्केलेटन मसल टिश्यू, अब स्केलेटन या वॉलेंट्री के नाम से अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, तो उस केस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमने स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू को ही एक्सप्लेन करना है, राइट? और सेकेंड थिंग कि इस मस्कुलर टिश्यू का नेम स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू क्यों है, इसका नाम स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू क्यों है और वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू क्यों है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि why the striped muscular tissue is also called the skeleton muscular tissue, why it is also called the voluntary muscular tissue. दो नंबर का आपके आपको इसके रीजन के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो यू मस्ट नो द आंसर कि आपको आंसर आना चाहिए कि इसको स्ट्राइप्ड मसल्स क्यों कहते हैं, स्केलेटन मसल क्यों कहते हैं और वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप मसल्स टिश्यू की फर्स्ट टाइप को ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, सो दैट आपको इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर हो जाए. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप दैट इज द व्हाट स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू. फर्स्ट टाइप बच्चे इसकी क्या है, स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू. नेम है स्ट्राइप्ड, स्ट्राइप का मतलब होता है बच्चे लाइंस. आपने अगर कभी जेब्रा की पिक्चर देखी होगी या जू में जेब्रा देखा होगा तो आपको उसकी बॉडी के ऊपर डार्क और लाइट क्या दिखाई देती है, स्ट्राइप्स दिखाई देती है. सिमिलरली ये जो मस्कुलर टिश्यू है अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसकी मस्कुलर टिश्यू के पहचान क्या है कि इसके ऊपर आपको क्या दिखाई देगी, डार्क और लाइट बैंड्स, डार्क और लाइट बैंड्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डार्क और लाइट स्ट्राइप्स दिखाई देगी. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डार्क और लाइट स्ट्राइप्स, डार्क और लाइट स्ट्राइप्स प्रेजेंट होने की वजह से दिस टिश्यू इज कॉल्ड स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू. राइट, क्लियर हो गया. द टिश्यू हैज लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स ऑन इट. ये लाइट और डार्क स्ट्राइप्स आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं. ये लाइट और डार्क स्ट्राइप्स की प्रेजेंस की वजह से दिस टिश्यू इज कॉल्ड द स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू. तो रीजन आपके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है व्हाई दिस टिश्यू इज कॉल्ड द स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू, तो योर आंसर इज व्हाट, दिस टिश्यू इज कॉल्ड स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स और द स्ट्राइप्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस. इन लाइट और डार्क बैंड्स की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू कहते हैं. एंड सेकेंड इज व्हाट, आपको पता है कि एवरी टिश्यू हैज ए एवरी सेल हैज ए न्यूक्लियस इन इट. बहुत सारे डायग्राम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया है. तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है. बट दिस स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू इज हैविंग द मेनी न्यूक्लियस, इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियर वर्ड हम बोलेंगे इसके लिए. ये देखो मैंने एक न्यूक्लियस ड्रॉ करा, यहां पर मैंने सेकेंड न्यूक्लियस, थर्ड, यहां फोर्थ. ये मैं क्यों इतने सारे न्यूक्लियस ड्रॉ कर रही हूं, बिकॉज दिस स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू इज मल्टी न्यूक्लियट, मल्टी न्यूक्लिएट. आपने ये मेंशन करना है. सेकेंड इसका पॉइंट क्या है, इस डायग्राम का मेजर लेबलिंग क्या है. फर्स्ट लेबलिंग मैंने आपको अभी बताई कि इट हैज ए डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट,
तो आप इसको भी लेबल करोगे कि डार्क एंड लाइट बैंड्स, और यू कैन ऑल्सो राइट स्ट्राइप्स. डार्क एंड लाइट बैंड्स है इसके ऊपर प्रेजेंट, और यहां पर जो हमने न्यूक्लियस ड्रॉ करे हैं, दिस स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू इज मल्टी न्यूक्लियट, मल्टी न्यूक्लियट है. थर्ड, आपको बाहर यहां पर क्या दिखाई दे रही है, सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, जो इसको क्या कर रही है, कवर कर रही है, राइट. इसकी सेल मेम्ब्रेन एक स्पेशल मटेरियल की बनी होती है, और इस वजह से इसका एक स्पेशल नेम है, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा. व्हाट दिस सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सार्कोलेमा, सार्कोलेमा मटेरियल की ये बनी हुई है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा भी बोलते हैं. सार्कोलेमा इज देयर which is also called cell membrane, you can also call the cell membrane. This tissue is multinucleate. This tissue has dark and light bands on it, right? ये आपको इस muscular tissue का structure clear हो गया. Now we come to the functions. अगर हम किसी को भी study करते हैं, तो first we study करते हैं structure, then वो हम study करते हैं उसके functions. Structure हमने study कर लिया, what is the function? फंक्शन क्या है इसका, कि इसमें हेल्प करता है मूवमेंट में, बट द क्वेश्चन इज हियर किसकी मूवमेंट में करता है. दिस मस्कुलर टिश्यू इज अटैच्ड विद द एक्सटर्नल ऑर्गन्स, राइट. दिस मस्कुलर टिश्यू इज अटैच्ड विद द एक्सटर्नल ऑर्गन्स, सो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन्स की मूवमेंट में हेल्प करता है. जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, उनकी मूवमेंट में ये हेल्प करता है. बच्चे, इसका मैंने अभी अभी आपको एक और नाम बताया था, दैट इज वोलेंट्री. जूनियर क्लासेस में आपने वोलेंट्री का मीनिंग पढ़ा था. वोलेंट्री का मीनिंग क्या है, द मसल्स which work according to our will, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, वो voluntary है. voluntary मतलब कि हम चाहें तो हम उसको move करें और हम चाहें तो उसको stop करें. suppose मैं यहाँ पर अपनी arm से लिख रही हूँ, अपने hand से लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर hand से लिख रही हूँ, तो इसका मतलब मेरे hands की जो muscles है वो क्या कर रही है, work कर रही है, और मैं चाहूँ तो इसको स्टॉप कर सकती हूँ, कि मैंने अपने हैंड्स की मूवमेंट को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया. मैंने अपनी आर्म को मूव करना स्टॉप कर दिया. मैंने अपनी आर्म को या हैंड की मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, तो इट मींस ये मूवमेंट मेरे कंट्रोल में थी. ये मूवमेंट अगर मेरे कंट्रोल में थी तो इसलिए इसका नाम क्या, एक और नाम क्या आया, वोलेंट्री मसल्स. This tissue is also called voluntary tissue because the muscles of this tissue are in our control. They work according to our will. वो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही है. That's why the tissue is called the voluntary tissue. तो one mark का question बनता है यहाँ पर, why the striped muscles are called voluntary muscles और why the striped tissue is called the voluntary tissue. Your answer is what? This tissue is attached to the external organs. It means it is responsible for the movement of external organs. So the external organs movement is in our control. So due to this, this tissue is also called the voluntary tissue. हमारे अगर हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, walk कर रहे हैं, it means हम अपनी external organs, what, legs. यहाँ पर हम अपनी legs की मसल्स का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. जब हम अपनी लेग्स का मसल्स का यूज कर रहे हैं और अब हमारा और चलने का मन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मूवमेंट को स्टॉप कर देंगे और हम बैठ जाएंगे. तो हमने अपनी लेग्स की मसल्स को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया. तो इसका मतलब ये जो मूवमेंट थी हमारी अकॉर्डिंग चल रही थी, हमारी विल के अकॉर्डिंग चल रही थी. तो जिन जो मूवमेंट हमारी विल के अकॉर्डिंग चल रही है और जो मसल्स उसके साथ अटैच है और जो मसल्स उसे कंट्रोल कर रही हैं, दैट मसल्स आर कॉल्ड द वोलेंट्री मसल्स, राइट. तो स्ट्राइप का मतलब क्या है, इसे स्ट्राइप क्यों कहा,
because it has a dark and light bands on it. इसे voluntary क्यों कहा? Because these muscles work according to our will. Now the third name is what? Skeletor. Skeletor नाम भी आपने सुना होगा. Skeleton जो हमारी body का क्या बना रही है? Framework. ऐसी मसल्स जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रही है. और आपको अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क कौन देता है? बोन्स देता है. हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क बोन्स देती हैं, तो इसका मतलब ये मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच है. दीज मसल्स आर अटैच्ड विद द बोन्स. दीज मसल्स हेल्प टू मेक द फ्रेमवर्क ऑफ अवर बॉडी. सो दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटन मसल्स. इसलिए ये मसल्स को हमने स्केलेटन मसल्स बोला. तो इसका फंक्शन क्या हुआ? दिस मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ अवर बॉडी. सेकंड इसका फंक्शन क्या हुआ? इट हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ऑल एक्सटर्नल ऑर्गन्स. आप अपनी नेक को मूव कर रहे हो, आप पीछे देख रहे हो, आगे देख रहे हो, आप अपने शोल्डर को बेंड कर रहे हो, आप अपनी लेग्स को मूव कर रहे हो, आप अपने हैंड को मूव कर रहे हो, आप अपनी फिंगर्स को मूव कर रहे हो. ये आपकी फिंगर्स मूव कर रही हैं, आपका हैंड मूव कर रहा है. दीज ऑल आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स. तो ऑल द एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर इन आवर कंट्रोल. द मूवमेंट इज इन आवर कंट्रोल. उनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है. दैट्स व्हाई दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड द वोलेंट्री मसल्स. इसीलिए इन मसल्स को वोलेंट्री मसल्स भी कहते हैं. राइट. आपको मैंने फर्स्ट टाइप अच्छे से कराई कि मस्कुलर टिश्यू की फर्स्ट टाइप क्या है. स्ट्राइप्ड मसल्स. इसको लिखना कैसे है, राइट कैसे करना है, इसके नोट्स कैसे बनेंगे. तो हम कैसे करेंगे कि मस्कुलर टिश्यू हैज थ्री टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज व्हाट? स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू. स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू मीन्स द मसल टिश्यू हैव द लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑन इट. सो द नेम इज कॉल्ड स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू. This tissue is multinucleate, right? And this tissue is attached with the external organs, and external organs work according to our will. So the name is called the voluntary muscles. And third, skeletal muscles. These muscles make the framework of our body. So these muscles are also called the skeletal muscles. These are attached with the bones. So function इनका ये भी मैंने बताया. इनका फंक्शन क्या है? हेल्प इन द मूवमेंट. मूवमेंट में हेल्प करती है. मूवमेंट का मतलब बेटा सिर्फ प्लेस चेंज करना ही नहीं होता. मूवमेंट का मतलब है हम किसी बॉडी पार्ट को अगर मूव कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अंडर द मूवमेंट. वो भी मूवमेंट है. मैंने अपना हैंड यहाँ रखा और फिर मैंने अपना हैंड यहाँ ले आई, फिर मैं अपना हैंड यहाँ ले आई, तो व्हाट इज इट? इट इज अ मूवमेंट. ये मूवमेंट है किसकी? हैंड की मूवमेंट है. तो ये हमारी मूवमेंट को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है. राइट. नाउ वी मूव टू द सेकंड टाइप. सेकंड टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू इज व्हाट? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू. स्मूथ मस्कुलर, नाम से ही आपको पता चल रहा है स्मूथ. स्मूथ का मतलब क्या होता है? राइट. कि इसके ऊपर डार्क और लाइट बैंड्स नहीं है. अगर लाइट और डार्क बैंड्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, तो इसका ना लाइट और डार्क बैंड्स ना प्रेजेंट होने की वजह से इसे क्या बोलेंगे? अनस्ट्राइप्ड. क्या वर्ड बोलेंगे? अनस्ट्राइप्ड. स्ट्राइप्ड का ऑपोजिट अनस्ट्राइप्ड. दीज मसल्स आर कॉल्ड अनस्ट्राइप्ड मसल्स और स्मूथ मसल्स. अनस्ट्राइप्ड और स्मूथ एक ही बात है. These muscles are called smooth muscles or unstriped muscles because they do not have a light and dark bands on it. क्योंकि इसके ऊपर light और dark bands नहीं है. तो अब मैं इसका diagram बनाने जा रही हूँ. इसकी shape होती है बच्चे spindle shape. ये मैं यहाँ पर spindle shape मैंने draw कर दी. अब इस shape को बोलते हैं spindle shape. ये डायग्राम किसका है? स्मूथ मसल्स का है. और इसके अंदर मैं लाइट और डार्क बैंड्स नहीं बना रही, नहीं ड्रॉ कर रही. तो इसके अंदर डार्क और लाइट बैंड्स नहीं है. सो दैट्स व्हाई दिस मसल्स आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइप्ड मसल्स. और सेकंड थिंग,
मैंने उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस ड्रॉ करे थे, मल्टी न्यूक्लियट था, बट इसके अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। कितना न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको? सिंगल। तो क्या लिखेंगे इसको? सिंगल न्यूक्लिएट। दीज मसल्स आर सिंगल न्यूक्लिएट। ये कौन सी शेप मैंने बताई है? स्पिंडल शेप। ये क्या है? स्पिंडल शेप है। द टिश्यू इज ऑफ स्पिंडल शेप। दिस टिश्यू इज हैविंग ए सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, अभी मैंने जो मटीरियल का नाम बताया था, सार्कोलेमा। सेल मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, सार्कोलेमा भी कह सकते हो। इन दिस केस, ओनली इन दिस केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है? अदरवाइज आपको अच्छे से पता है कि सेल मेम्ब्रेन का सेकंड नेम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? सिर्फ इस केस में जो मटेरियल है वो सार्कोलेमा है, वहां पर सेलुलोज था, कंफ्यूज नहीं करना। सो ड्यू टू दिस, दिस सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सार्कोलेमा। इट इज मेड अप ऑफ सार्कोलेमा और सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है सिंगल न्यूक्लियस। द शेप इज स्पिंडल शेप। नो डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट ऑन इट। कोई डार्क और लाइट बैंड्स नहीं है इसके ऊपर। सो दैट्स व्हाई दीज मसल्स आर कॉल्ड अनस्ट्राइप्ड मसल्स। और थर्ड नेम मैंने आपको इसका बताया था, इनवोलेंट्री। व्हाट? वोलेंट्री का ऑपोजिट इनवोलेंट्री। वोलेंट्री का ऑपोजिट इनवोलेंट्री का मतलब क्या है? दीज मसल्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनकी मूवमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही। सो दैट्स व्हाई दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड इनवोलेंट्री मसल्स। व्हाई इनवोलेंट्री मसल्स? अगेन आई एम रिपीटिंग टू यू, द मसल्स आर कॉल्ड इनवोलेंट्री मसल्स बिकॉज दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल। बीच बीच में से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, जो स्टूडेंट डेप्थ में लर्न करेगा, दैट स्टूडेंट इज एबल टू क्लियर द टॉपिक। वही अपने टॉपिक को क्लियर कर पाएगा। सपोज आपने एक नाम लर्न कर लिया, बट आई एम टेलिंग यू हियर द थ्री नेम्स। यू हैव टू लर्न ऑल दीज थ्री नेम्स विद रीजंस, कि इनके तीन नाम ऐसे क्यों डले, किसी कार्डियक मसल के तीन नाम क्यों नहीं डले, इसके ही तीन नाम क्यों डले, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। इसका ये नाम अनस्ट्राइप्ड क्यों पड़ा? क्योंकि इसके ऊपर डार्क और लाइट बैंड्स नहीं है। द नेम इज कॉल्ड इनवोलेंट्री बिकॉज दीज मसल्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, सो दीज आर कॉल्ड इनवोलेंट्री मसल्स। अब दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट को छोड़ के जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सभी इंटरनल ऑर्गन्स का आपको पता है, लिवर है, ठीक है, पेनक्रियास है, ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट को छोड़कर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, द स्मूथ मसल्स आर अटैच्ड विद दैट ऑर्गन्स। कभी आपने सुना है कि हार्ट हमारी इच्छा के अनुसार काम करेगा? हार्ट पंपिंग कर रहा है और हम नहीं चाहते कि वो पंपिंग करे, पर हमने उसे कह दिया स्टॉप पंपिंग, तो उसने काम बंद कर दिया। ऐसा होता है कभी? आप कुछ लिख रहे हो, मैंने आपको कह दिया स्टॉप राइटिंग, तो आप अपनी राइटिंग स्टॉप कर देते हो। मैं आपको बोलती हूँ स्टार्ट राइटिंग, तो आप अपनी राइटिंग स्टार्ट कर देते हो। लेकिन मैंने कभी ऐसा कहा, किसी ने ऐसा सोचा कि स्टॉप, आज हम हार्ट को कहते हैं स्टॉप पंपिंग द ब्लड, आज हम किडनी को कहते हैं स्टॉप फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन को स्टॉप कर दो। तो क्या किडनी, क्या हार्ट हमारे अकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं? नहीं। व्हाई? ऐसा क्यों नहीं होता कि किडनी और जो हार्ट है, स्टमक है, स्टमक की जो मसल्स है जो डाइजेशन में हेल्प करती है,
वो हमारे अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवोलेंट्री है, दे आर नॉट इन आर कंट्रोल, दे आर इनवोलेंट्री मसल्स, राइट? सो दैट्स व्हाई द मसल्स विच आर अटैच्ड विद द इंटरनल ऑर्गन्स आर इनवोलेंट्री. तो ये कहां पर प्रेजेंट है? सारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ प्रेजेंट है एक्सेप्ट हार्ट. हार्ट को छोड़कर सभी इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कौन सी मसल्स अटैच है? इनवोलेंट्री, राइट? एक्सटर्नल ऑर्गन्स के साथ वोलेंट्री, इंटरनल ऑर्गन्स के साथ इनवोलेंट्री. तो अब क्या रहा हमारी बॉडी में? सिर्फ हार्ट. तो हार्ट के साथ कौन सी मसल अटैच है? लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप, दैट इज कार्डियक मसल्स. थर्ड टाइप हमारी मस्कुलर टिश्यू की क्या है? कार्डियक मसल्स, राइट? कार्डियक मसल्स. यहां हम सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे? ओनली प्रेजेंट इन हार्ट. सिर्फ हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स. दे आर ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, राइट? दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. व्हाट बोथ इज हियर? स्मूथ एंड सेकेंड इज what? Striped. These muscles are the combination of both smooth and striped. Smooth and striped दोनों का combination का मतलब क्या है? यहां पर इसका मतलब है कि these muscles have both the characteristics of smooth muscles and the cardiac smooth muscles and the striped muscles. These muscles have both the characteristics of smooth muscles and striped muscles. इसका मतलब इसके पास दोनों characteristics है. कौन सी characteristic इसकी smooth की है और कौन सी characteristic इसके पास striped की है? तो इसका structure study करने के लिए striped की कौन सी characteristic है कि cardiac muscles have light and dark bands on it. राइट, लाइट और डार्क बैंड्स किसके हैं? स्ट्राइप्ड की करैक्टरिस्टिक्स है. लाइट और डार्क बैंड इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्राइप. सो कार्डियक मसल हैज द लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑन इट. सेकंड करैक्टरिस्टिक कौन सी है? स्मूथ की कौन सी है? सिंगल न्यूक्लियस. स्मूथ की कौन सी करैक्टरिस्टिक है? सिंगल न्यूक्लियस. हाफ करैक्टरिस्टिक किसके हो गए? स्मूथ के. हाफ करैक्टरिस्टिक किसके हो गए? स्ट्राइप के. तो इसीलिए मैंने लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्राइप. इसीलिए मैंने ये वर्ड लिखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्राइप. स्ट्राइप का करैक्टरिस्टिक कौन था? लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑन इट. और स्मूथ का करैक्टरिस्टिक कौन सा था? सिंगल न्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट. यूनिन्यूक्लिएट इस वजह से इसके पास कार्डियक मसल हैज बोथ द करैक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ एंड स्ट्राइप्ड मसल्स. दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ द मसल्स बिकॉज दे वर्क टायर्डलेसली. ये टायर्डलेसली काम करती हैं थ्रू आउट द लाइफ. जब तक हम हैं, दिन में, रात में, सोने में, जागने में, वॉक करने में, 24 hours, 365 days, they are continuously working. ये कभी भी थकती नहीं है, समझ गए? आप थोड़ा सा चल लिए, आपने थोड़ा सा मूवमेंट कर ली, आप थोड़ी देर बाद क्या कहते हो कि नाउ आई एम वेरी मच टायर्ड, आई हैव टू टेक द रेस्ट, मुझे रेस्ट लेनी है. और उसके अंदर मूवमेंट में आपकी हेल्प कर रही है स्ट्राइप मसल्स, राइट? बट आपका जो हार्ट है वो कभी नहीं वॉक करना स्टॉप करता. वो 24 आवर्स 365 डेज डे एंड नाइट अपना काम करता रहता है. उसकी मसल्स वॉक करती रहती हैं टायर्डलेसली.
So cardiac muscles are the special muscles. They never tired. वो tirelessly work करती रहती हैं जब तक कि हमारी body में कोई misfunctioning ना हो जाए. अगर हमारी body में misfunctioning हो जाए, that is the exception. Otherwise, these muscles work tirelessly 24 hours, 365 days, day and night. लगातार जब तक हम जिंदा हैं, इसकी muscles क्या कर रही हैं? Work कर रही हैं, right? These are the special muscles present in only the heart, right? अब आपको मैंने तीनों types explain कर दी. अब हम इसको compile करने जा रहे हैं. Compile करने का बच्चे best कि आप डिफरेंशिएट कर लो तो आपको पॉइंट्स कभी भी नहीं भूलेंगे. यू विल नेवर गेट कंफ्यूज. आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे अगर आप लास्ट में टॉपिक को समराइज कर लो. लास्ट में टॉपिक को समराइज करने का मतलब है आप उसका कंपैरिजन कर लो. यहां पर मैंने लिखा स्ट्राइकिंग, यहां मैंने लिखा स्मूथ, यहां मैंने क्या लिखा कार्डियक, यहां पर मैं लिख रही हूं डार्क एंड लाइट बैंड्स, राइट. यहां मैंने क्रॉस लगा दिया, इट मींस नो डार्क एंड लाइट बैंड्स, राइट. और यहां पर मैंने फिर लिख दिया डार्क एंड लाइट बैंड्स. आपके सामने तीनों का कंपैरिजन आ गया. आप आंसर लिखते हुए कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते. क्यों? आपने इस टॉपिक को समराइज कर लिया, आपने कंपेयर कर लिया तीनों टाइप्स को. आपने जब तीनों टाइप्स को कंपेयर करा तो आपके पास उन तीनों के पॉइंट्स क्लियर हो गए कि इसके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं, इसके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं है और इसके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं. तो आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता. सेकंड पॉइंट क्या था हमारा मेन? हमारा सेकंड पॉइंट था मल्टी न्यूक्लिएट, राइट. ये हमारा था मल्टी न्यूक्लिएट, ये हमारा था यूनी न्यूक्लिएट, राइट. और ये हमारा क्या था? यूनी न्यूक्लिएट, राइट. मेन पॉइंट जो था मल्टी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट. आप कंफ्यूज हुए ही नहीं. क्यों? क्योंकि आपने इसको क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया, कंपैरिजन कर लिया. और थर्ड मेन पॉइंट हमने क्या रीड करा? दीज मसल्स आर वोलेंट्री, राइट. वोलेंट्री मींस अगेन आई एम टेलिंग यू in our control, work according to our will. और these muscles, यहां मैंने क्या लिखा? Involuntary, do not work according to our will, क्योंकि ये external organ के साथ नहीं है. These are present in the internal organs, और internal organs के अंदर contraction हमारे कार कहने से stop नहीं होती. हार्ट हमारे कहने से काम नहीं करता, किडनी हमारे कहने से काम नहीं करती, स्टमक की मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट. और यहाँ पर ये सिर्फ हार्ट में है. तो यहाँ पर थर्ड डिफरेंस क्या आएगा? इनवोलेंट्री. कभी भी आपको टॉपिक भूलेगा ही नहीं, कंफ्यूजन होगी ही नहीं, कभी भी आप गलत पॉइंट लिखोगे ही नहीं. जब आप डिटेल स्टडी के बाद एक टेबल फॉर्म कर लोगे डिफरेंशिएशन का, टाइप्स का, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स. लास्ट पॉइंट हमने यहां पर एग्जांपल दे ली है, ऑल एक्सटर्नल ऑर्गन्स, राइट. यहां ऑल इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट, जरूर लिखना है यहां पर एक्सेप्ट. क्या लिखना है? एक्सेप्ट हार्ट. यहां हम क्या लिखेंगे? ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, राइट. इससे हमारे पास क्या आ गया? डिफरेंशिएशन का टेबल आ गया.
डिफरेंशिएशन का टेबल आ गया कि स्ट्राइड मसल्स में डार्टेड लाइक बैंड्स होते हैं, स्मूथ मसल में नहीं होते। अगेन कार्डियक मसल हैज डार्टेड लाइक बैंड्स। सेकंड पॉइंट, स्ट्राइड मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट, स्मूथ मसल्स आर यूनि न्यूक्लिएट एंड कार्डियक मसल्स आर यूनि न्यूक्लिएट। थर्ड, स्ट्राइड मसल्स आर वोलेंट्री, स्मूथ मसल्स आर इनवोलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स आर आल्सो इनवोलेंट्री। एंड लास्ट इज द एग्जांपल्स, ऑल एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैव द स्ट्राइड मसल्स, ऑल इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट हैज द स्मूथ मसल्स, ऑल इंटरनल ऑर्गन्स except the heart has the smooth muscles, and the last, only the heart has the cardiac muscles, which are special muscles, work tirelessly throughout the life, tirelessly puri life mein work karte hain. Samajh aa gayi aapko? I think aapko topic clear ho gaya hoga. Is topic ke andar aap aapko differentiation bhi aapne kar liya, जिनके अनदर नेम्स हैं उस नेम के साथ आपने रीजन भी लर्न कर लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है तीनों के डायग्राम्स। तीनों के डायग्राम्स में हमने फर्स्ट वाले में मल्टी न्यूक्लिएट शो करे, सेकेंड वाले में स्पिंडल शेप शो करी, सिंगल न्यूक्लिएट शो करा, डार्क एंड लाइट बैंड शो नहीं करे, और लास्ट में कार्डियक मसल्स में इनवोलेंट्री में हमने डार्क एंड लाइट बैंड्स शो करे बट हमने सिंगल न्यूक्लियस शो करा। विद दिस आवर सेकंड टाइप दैट इज द मस्कुलर टिश्यू इज कंप्लीटेड। दिस इज द होमवर्क यू लर्न टुडे। मस्कुलर टिश्यू आपने आज ही लर्न कर लेना है एंड आज ही इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है और आज ही इसे लर्न कर लेना, राइट? आकाश सर।